एवरीवन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यहाँ पे मैंने पहले से स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है. इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि ये एक कोई ट्राइंगल है आपका, दिस इज़ वन ऑफ द ट्राइंगल, एक मैंने कटआउट लिया हुआ है और उसके जो ये तीनों एंगल्स होते हैं एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री, तो इनका जो सम होता है सम ऑफ एंगल वन, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है सम ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये होता है. तो इसको अब हम प्रूव कैसे करें, उसके लिए मैं एक्टिविटी करूँगी यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लेंगे, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, एक कटआउट है, किसी भी शेप का कोई भी साइज़ है. यहाँ पे मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे इसके एंगल को टेयर ऑफ करेंगे. ठीक है, एंगल वन. और बहुत ही फन एक्टिविटी है और इससे आपको हमेशा याद भी रहेगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, और कभी भी आप नहीं भूलोगे इस एक्टिविटी को करने के बाद. तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो वन यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ रूलर की हेल्प से, और ये लाइन ड्रॉ हो गई. इससे हम ये दिखाएंगे कि ये जो पीसेज हमने कट करे हैं एंगल्स के ऑफ ट्राइंगल, तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये एक लाइन फॉर्म करेंगे, और यही एक्टिविटी हमको चेक करना है. तो जो हमारा एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री. ये देखिए इसका मेजर होता है 180 डिग्री. 180 डिग्री एंगल इज़ अ स्ट्रेट लाइन. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर आप ये रखोगे यहाँ पे एंगल वन और एंगल टू और एंगल थ्री, ये देखो, तो इसको 180 डिग्री आना चाहिए इसके सम को. सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी 180 डिग्री. तो इफ़ यू पुट ऑल दीज थ्री एंगल्स दिस इज फॉर्मिंग अ लाइन. तो अब इसी को चेक करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. तो जिसमें मैं थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं. वन है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अनदर वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, और एक है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो अब हम इनको मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, अब इनको हम चेक करेंगे कि वेदर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू और नॉट. इसको चेक करने के लिए अब मैं ये वाले कटआउट हटा देती हूँ. तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एक ऑप्टियूज एंगल ट्राइंगल. ऑप्टियूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल इसका होता है मोर देन 90 डिग्री, और इनको भी हम सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, टेयर ऑफ द एंगल्स. यू कैन टेयर ऑफ द एंगल्स, और सिंपल, बहुत आसान है, बहुत ही फन एक्टिविटी है ये. और इसको करने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये एक्टिविटी, मतलब टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. तो यहाँ पे देखिए मैं ये रख रही हूँ, और ये देखो दिस थिंग, तो दिस इज़ फॉर्मिंग अ लाइन हियर, दे सी. तो अब अगर इसको क्रॉस चेक करने के लिए इफ़ यू ऐड दिस थिंग, तो ये है तुम्हारा 30 डिग्री, और अनदर सेकेंड एंगल है हमारा 120 डिग्री, और अनदर इज 30 डिग्री. तो ये आपका क्या हो जाता है, सम ऑफ दिस इज 8 एंड 180 डिग्री. सो दिस इज 180 डिग्री. इसी तरह से हम दूसरे भी चेक कर सकते हैं. तो अगर आप ये वाले करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल लें, पे मैं ले रही हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, इनको भी हम सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी इसको टेयर ऑफ करेंगे. और ये आप अपने प्रोजेक्ट में भी बना सकते हैं, उसको कॉपी में, मैथ्स प्रोजेक्ट कॉपी में बनाने के लिए भी इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं. तो आप पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और इस तरह से उनको कट करके ऐड कर देंगे, किसी भी ऑर्डर में रखें आप इसको, 60 रख लीजिए, 90 रख लीजिए, एंड देन यू पुट सी दिस वन. सो दिस इज़ अगेन फॉर्मिंग अ लाइन. Now we will cross check this also. To cross check this, what you have to do? You have to add all three angles. So 60, 90 and 30 degrees. तो ये क्या हो जाएगा? 180 degree. This is also sum of all three angles of a triangle is 180 degree. तो ये हमने right angle triangle में भी ये prove कर दिया कि ये होता है ऐसा. So अब लेते हैं हम acute angle triangle. हमारे acute angle triangle में क्या क्या है, एक है 75 डिग्री है, 40 डिग्री का है, और एक 65 डिग्री का है. सो बाय टेयरिंग ऑफ दिस एंड वी वांट टू चेक, हम चेक करना चाहते हैं ये
कि ये हमारा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, वेदर इट्स फॉर्मिंग अ लाइन और नॉट। तो आप देख सकते हैं इसको भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ इस तरह से, ऑल थ्री पीसेस, ये देखिए ये, एंड देन अगेन दिस इज़ फॉर्मिंग अ लाइन। कितना इंटरेस्टिंग है ये। कोई भी मेजरमेंट लिया, हमने थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल लिए यहाँ पे और इन सब को किया, तो ये यहाँ पे एक लाइन फॉर्म कर रहा। इफ़ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई योर आंसर, फिर से हम इसको ऐड करके देख लेंगे। आपको वेरीफाई करना है तो हम दोबारा से इसको फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो ऐड द मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, तो इसको हम ऐड करेंगे, देन देखिए आप, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने तीन एक्टिविटीज़ की और उसमें आपने तीनों ने देखा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल जो है उसमें हमने ये पाया तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल का जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैथ से डरने की ज़रूरत है। तो अब मैथ से डरना करो बंद। हैप्पी लर्निंग टू यू।